कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में अचानक इजाफा कर दिया गया। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। इस वक्त लाहौर में हमारे नुमाइंदे एजाज शेख गार्डन टाउन में पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, तफसीलात उन्हीं से जानेंगे। एजाज बताइएगा कि आवाम का क्या कहना है। आज बिल्कुल वफाकी हुकूमत जो कि सिर्फ 8 रोज की मेहमान है, उन्होंने जाते जाते आते जाते आवाम पर एक पेट्रोल पम्प गिरा दिया है, यानी कि 19.95 रुपये पर लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। इस पर जो लाहौरी हैं वो वफाकी हुकूमत पर फट पड़े हैं। उनका कहना है कि दालें, चीनी, घी, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये तो पहले ही बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अब बच्चों की फीस अदा करेंगे, घर का किराया अदा करेंगे, बीमारों के लिए जो घर में मौजूद मरीज हैं उनके लिए अद्वियात खरीदेंगे, या जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अमूर निपटाएंगे, या कि महंगा पेट्रोल भी खरीदेंगे। तो लिहाजा उनका ये कहना है आवाम का कि ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। इन्होंने जो आए ये सोच ले के थे कि कौम की खिदमत करेंगे। अगर यही कौम की खिदमत है तो अल्लाह ताला इस तरह की खिदमत के लिए कोई नेक्स्ट ना आए। और उनका ये भी कहना है कि जो इनसे उम्मीदें वाबस्ता की थी वो सब आवाम इस पर परेशान है, और तमाम जो उम्मीदें हैं वो खाक में मिल चुकी हैं। और उनका कहना है कि आइंदा इस मुल्क में सिर्फ इनकलाब आना चाहिए, इस मुल्क को सिर्फ इनकलाब की ज़रूरत है, किसी किस्म के किसी पार्टी की हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। लाहौर के आवाम के तासुरात से एजाज शेख आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। आप रुक करेंगे कराची का, जिसके शहरी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफा मुस्तरद करते हुए इसे जालिमाना इकदाम करार दे दिया। शहर कायद के बासियों का इस हवाले से मजीद क्या कहना था जानते हैं। खुदादाद कॉलोनी में मौजूद नुमाइंदे निजवन हफीज बलोच, हफीज बलोच बताइएगा आवाम के क्या तासुरात हैं। जी बिल्कुल, मौजूदा वफाकी हुकूमत ने जाते जाते आवाम के पंप के ऊपर बहुत ही बड़ा जोरदार तरीके से पेट्रोल पम्प गिरा कर जा रही है मौजूदा हुकूमत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुदादाद कॉलोनी के करीब एक पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि महंगाई के सताए आवाम शदीद महंगाई बोझ तले दबे हुए हैं, और उस पर वफाकी हुकूमत का 20 रुपये तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना सरासर नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। जहाँ आवाम को बिजली और गैस बेहसर नहीं है तो वहीं पर आमद और रफ्त की ज़राए के लिए जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनको भी उसकी भी मुश्किल में इजाफा होगा। माली तौर पर परेशान शहरियों का कहना है कि वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर अपने इस फैसले पर नज़रसानी करें और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए एक अमली इकदाम उठाएँ। जी जी बहुत शुक्रिया हफीज़ बलोच, कराची से आपने तफसीला किया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। शहरियों ने हालिया इजाफे को मुस्तरद करते हुए फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे न्यूज़वन राहिल हसन से, जो कराची कंपनी के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। राहिल हसन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर शहरियों का क्या रद्द अमल है? जी, हुकूमत ने जाते जाते आवाम पर एक बार फिर से पेट्रोलियम बम दे मारा है और एक बहुत बड़ा इजाफा कर दिया गया है। 20 रुपए तक का इजाफा किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, जिसका अब बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है और कीमतें भी पंपों पर बढ़ा दी गई हैं। मेरे पीछे इस वक्त जो लोग मौजूद हैं उनका वो काफ़ी नाला नजर आते हैं। उनका कहना यह है कि हुकूमत चंद दिन की मेहमान रह गई है और इस किस्म के बड़े फैसले लेते हुए कम अज़ कम उनको ज़रूर आवाम का सोचना चाहिए था। आवाम जो है वो पहले ही महंगाई के हाथों पिस रही है और ये एक बहुत बड़ा इजाफा करके गए हैं। तो बहुत शुक्रिया राहिल हसन, आपने तफसीलात से आगाह किया।